हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट ज्वेलरी। सो गाइस, आज मैं मेंस की ही राइटिंग को आगे बढ़ा रही हूँ और एक और हम क्वेश्चन करते हैं। और पहले मैंने दो क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं मेंस में वो बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लेना। सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको वैसे भी ज़रूरी है, आई मीन मेंस के लिए, और आपको नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेटिंग असाइड ऑफ कन्विक्शन और क्वेशिंग ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो तीन नंबर के अगर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिंग असाइड ऑफ कन्विक्शन एंड क्वेशिंग ऑफ कन्विक्शन, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। अगर डिफरेंस इस तरह से पूछ लें और जिसमें हमें एक से ज़्यादा डिफरेंस ना लिखना हो, तो हम दोनों को अलग अलग पैरा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग असाइड ऑफ कन्विक्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जिसमें वो कन्विक्ट हुआ है, अक्यूज्ड, उसको एक तरफ कर देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे किसी और ऑफेंस के लिए नहीं हो सकता। वो उस ऑफेंस के लिए तो सेट असाइड उसकी कन्विक्शन कर दी है, लेकिन जो दूसरे ऑफेंस में वो कन्विक्ट हो सकता है, अगर एविडेंस पहले वाले ऑफेंस को प्रूव ना करके दूसरे ऑफेंस को प्रूव कर दें, तो वो आप उसको कन्विक्ट ठहरा सकते हैं, ठीक है? तो ये या तो एपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, मान लो प्रोसिक्यूशन चला गया, और या फिर ट्रायल, यानी कि अगर कई बार क्या होता है एपीलेट कोर्ट दोबारा भेज देता है ट्रायल कोर्ट के पास, तो उस सिचुएशन में दोनों ही केसेस में एक्यूज्ड को ठहराया जा सकता है। ये होता है सेटिंग असाइड। अब सेकंड पैरा जब लिखें तो लिखें क्वेशिंग द कन्विक्शन, यानी कि जो मटेरियल है वो प्रूव नहीं हुआ है और इस तरह से कि दूसरे ऑफेंस का भी नहीं होगा, ठीक है? यानी कि कोई ऑफेंस बना ही नहीं। हमने पहले किया सेटिंग असाइड, यानी कि दूसरे में हो सकता है, लेकिन क्वेशिंग में जो मटेरियल है वो प्रूव नहीं हुआ उस अक्यूज्ड के खिलाफ और वो दूसरे ऑफेंस में भी नहीं हो सकता। आइए एक बार देख लेते हैं। बाय सेटिंग असाइड ऑफ कन्विक्शन इट इज मेंट दैट अ पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ विच अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड इट इज बीइंग सेट असाइड, बट दैट इज नॉट अ गारंटी that accused can't be convicted of any other offense. If material proved on some other offense, then the accused may still be convicted either by appellate or trial court. But quashing the conviction would mean the material proved against accused is not such upon which any charge can be proved. That is, on such proved material, no offense is made out. So, ये हमने दो या तीन मार्क का आता है, आप इतना आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।